गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आर्टिकल 3.5 है टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज़। तो जो हमने टेलर थ्योरम की थी उसमें एक तो था पहले एन टर्म्स थे उसको लिखा था हमने एस एन, और जो एन टर्म के बाद जो रिमाइंडर था उसको लिखा था हमने आर एन। वो दो तरीके से था, एक में लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, एक में कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था। तो चाहे कैसे भी रिमाइंडर हो, अगर वो रिमाइंडर जो आर एन है अगर वो टेंस टू ज़ीरो हो जाता है वेन एवर एन टेंस टू इन्फिनिटी, उस केस में जो एफ ऑफ ए प्लस एच बनेगा वो होगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्केयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। ये कहीं पर रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि आर एन तो हमारे पास हो रहा है जीरो, और जो एस एन था हमारे पास उसमें एन टाइम्स इन्फिनिटी करेंगे तो ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। तो ये जो सीरीज़ बनेगी हमारे पास इसको कहेंगे हम टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज़। यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, जो ये डेरिवेटिव्स हैं वो ऑल ऑर्डर्स के एग्जिस्ट करेंगे प्रोवाइडेड एफ पजेस कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स। अब करते हैं मैकलॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज, वो क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी इसी में हमें क्या करना होता है, ए को पुट करना होता है जीरो और एच को पुट करना होता है एक्स, तो ये बनेगा एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट है, इसमें भी जो आर एन है वो टेंस टू जीरो हो रहा है, तो इसमें भी कंडीशन क्या रहेगी कि जो एफ पजेस कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कि शो दैट लॉग ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाई 45। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है वो अबाउट जीरो है, मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो के लिए, यानी मैकलॉरिन थ्योरम हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स सेलेक्ट कर लेंगे लॉग ऑफ सीकेंट एक्स को, यहाँ से हम करेंगे इसका डेरिवेटिव जो कि आएगा 1 बाई सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, यानी टेंजेंट एक्स आ गया। अब फिर डेरिवेटिव करेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्केयर एक्स। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि टेन एक्स की वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स, वो लिख देंगे इसमें ऐसे। अब फिर डेरिवेटिव करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो 1 का तो हो गया 0, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 पावर आगे आ गई, और एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स। अब फिर डेरिवेटिव करेंगे, ये 0 है, ये 2 कांस्टेंट है, इसमें लगाएंगे u इन टू वी, तो एफ डैश एक्स एज इट इज इसका हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव भी एफ डबल डैश एक्स आएगा, तो इसका लिख देते हैं हम स्केयर, ये ऐसे आ गया। अब आगे भी डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इसमें देखिए पावर 6 तक है तो 6 बार तो डेरिवेटिव करना ही है, तो एफ एफ 5 6, अब एफ 5 टाइम डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव फिर से यू इन टू ही में चलेगा एफ डैश एक्स एज इट इज, इसका हो जाएगा एफ 4 एक्स। अब ये एज इट इज का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश एक्स, और ये एज इट इज, इसमें पावर 2 आगे आ जाएगी, और ये एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश का एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब ये और ये दोनों एक जैसे टर्म्स सभी इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 टाइम्स एफ डैश एक्स एफ 4 टाइम्स डेरिवेटिव, प्लस में ये 3 टाइम्स हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब एक बार डेरिवेटिव और करना है, 2 कांस्टेंट, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव
प्लस में इसका डेरिवेटिव और ये एज इट इज, प्लस में थ्री कांस्टेंट है, इसमें एक को एज इट इज रख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये एफ फोर हो जाएगा। अब के बार इसको एज इट इज रख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव या है उसको एज इट इज कर फिर भी ये रहेगा, तो इसका हो जाएगा स्केयर। अब आगे हमें करना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभी इन सभी में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। पुटिंग एक्स बराबर जीरो इन ऑल अबोव, तो देयरफॉर सबसे पहले एफ ऑफ जीरो लॉग सेकेंड जीरो, सेकेंड जीरो होता है वन, लॉग वन होता है जीरो। अब एफ डैश जीरो, इसमें करोगे तो देखिए टेन जीरो जीरो होता है, एफ डबल डैश जीरो, ये डबल डैश है, इसमें जीरो पुट करेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं, तो टेन जीरो जीरो और वन में जीरो ऐड करेंगे तो आएगा वन। फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो, ट्रिपल डैश यहाँ पर है तो ये जीरो है, प्लस में टू, इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश जीरो कितना है हमारे पास, वो जीरो है तो ये चाहे जो भी है तो जीरो ही आ जाएगा हमारे पास, या देख लो इसको भी एफ डबल डैश एक्स को भी, ये उसकी वैल्यू वन है तो हमारे पास ही जीरो आ गया। अब एफ फोर जीरो, इसमें तो ये टू है, एफ डैश जीरो हमारे पास है जीरो तो ये जीरो बन गया सीधा सा, एफ डबल डैश जीरो इसकी वैल्यू हमारे पास है वन तो ये वन का स्केयर यानी ये टू आ गया। अब एफ फाइव जीरो, एफ फाइव में देखिए ये टू, एफ डैश जीरो हमारे पास जीरो है, नेक्स्ट टर्म में ये जैसे थ्री एफ डबल डैश जीरो वो वन है बट एफ ट्रिपल डैश जीरो वो जीरो है तो ये भी जीरो, तो ये जीरो ही आ गया। अब एफ सिक्स जीरो, लास्ट में देखिए एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास है जीरो तो ये पहले टर्म तो जीरो, एफ डबल डैश जीरो उसकी वैल्यू वन है और एफ फोर जीरो उसकी वैल्यू टू है तो ये वन इंटू टू यानी टू आ गया। अब इसमें देखिए एफ डबल डैश जीरो वो आपके पास वन है और एफ फोर जीरो में टू है तो ये आपके पास वन और टू, टू टू इंटू थ्री सिक्स। अब इसमें देखिए एफ ट्रिपल डैश जीरो हमारे पास जीरो है तो जीरो तो ये आया छः और दो आठ दूनी सोलह। अभी सारी वैल्यूज आने के बाद हम लगाते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम। एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स रेस टू पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल एफ फोर जीरो एक्स रेस टू पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एफ फाइव जीरो प्लस एक्स रेस टू पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल एफ सिक्स जीरो, क्योंकि छः टाइम तो हमें लेना ही है। अब एफ एक्स के बराबर था लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, एफ जीरो हमारे पास जीरो आया हुआ है, एफ डैश जीरो भी हमारे पास जीरो है, एफ डबल डैश जीरो हमारे पास वन है तो ये वन है तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश जीरो हमारे पास जीरो है, एफ फोर जीरो हमारे पास टू है तो ये आया टू इंटू एक्स रेस टू पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, एफ फाइव जीरो हमारे पास जीरो है, एफ सिक्स जीरो हमारे पास सिक्सटीन है तो सिक्सटीन एक्स रेस टू पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये जीरो जीरो ये एक्स स्क्वायर बाई ये तो आ गया टू, एक्स रेस टू पावर फोर बाई ये बनेगा चार तीन बारह दूनी चौबीस और ये दो से कैंसिल करेंगे तो बारह बारह ये एक्स रेस टू पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल बनता है सात सौ बीस, उसको अगर सोलह से काटेंगे तो हमारे पास सोलह चौक चौंसठ और चुके आठ तो सोलह पंजे अस्सी तो ये पैंतालीस पे कट जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ सेकेंड एक्स की एक्सपेंशन आ गई।